As far as the present is concerned, it is the worst pay commission ever in the history. A minimum calculation means that every student will have to pay 80,000 rupees more. You know, to get any scheme done or any demands fulfilled, it requires a massive synergy between all sections of the society. And definitely we will have to get the students and the karmacharis also in our demand. For autonomous colleges, जो financial autonomy है, basically ये कि governing bodies colleges के decide करेंगी कि fees कितनी हो, और वहाँ self financing courses शुरू होंगे, जिसका मतलब कि student और parents का खर्चा शिक्षा के प्रति बढ़ने वाला है, और वहाँ पर management क्योंकि control बढ़ जाता है, उसके बाद हम देखेंगे कि union की गतिविधियाँ या सवाल उठाने का वो जो space है, teachers का और छात्रों का वो खत्म हो। उन्होंने एमफिल और पीएचडी को इंसेंटिव देने से मना कर दिया है। जो लोग एमफिल पीएचडी करके आते हैं या टीचिंग में आने के बाद जो एमफिल और पीएचडी करते हैं, अब से पहले उनको 4 या 5 इंक्रीमेंट मिला करते थे, अब इन्होंने ये बंद कर दिया है। तो उसका परिणाम ये होगा कि कोई भी शिक्षा व्यवस्था में आना नहीं चाहेगा, टीचर बनना नहीं चाहेगा। जिस तरह से हायर एजुकेशन का पूरा डिसइंटीग्रेशन किया जा रहा है इसका देश में, पब्लिक फंडेड हायर एजुकेशन का, उसके खिलाफ हम अपनी आवाज़ यहाँ पे उठा रहे हैं। तो ये जो कमर्शलाइजेशन का इनका ऑब्जेक्टिव है कि हायर एजुकेशन को कमर्शियल सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर में दे दिया जाए मार्केट में, उसी के तहत ये सारी पॉलिसीज बन रही हैं कि पे रिविजन ना करो। पहली दफ़ा हिस्ट्री में ये हो रहा है कि पे रिव्यू की कमेटी की रिपोर्ट नहीं दिखाई गई, और अलग से ये लोग अपना डिसीजन ले रहे हैं जो बहुत ही रेट्रोग्रेड से सर्विस कंडीशन और पे स्केल्स बिल्कुल डाउनग्रेड करके टीचिंग प्रोफेशन को, जो पैरिटी का इन्होंने एक प्रिंसिपल है सरकार का कि पैरिटी रहेगी ग्रुप ए सर्विसेज के साथ, उसको तहस नहस करके पूरा डाउनग्रेड करके, और पोज भरने का कोई इरादा नहीं इनका दिख रहा है हमें। सारा प्रोसेस बंद पड़ा है डिस्पाइट हाईकोर्ट ऑर्डर। देखिए, पूरे परिवार के साथ आए, हमारी नौकरी हर 4 महीने बाद हमें निकाल दी जाती है। मोदी जी ने घोषणा की थी 14 में कि 10 लाख हर साल नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, और हम लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। तो इन्होंने जो है पीएचडी का इंक्रीमेंट छीन लिया, एमफिल का इंक्रीमेंट छीन लिया। ये कहते हैं रिसर्च नहीं कीजिए, रिसर्च करना गुनाह हो गया है। पीएचडी आप करेंगे, आपको कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा, क्यों पीएचडी कोई करे? 5,000, 10,000, 15,000 मैक्सिमम 20,000 फीस है स्टीफेंस कॉलेज और ये SRCC मिला के। उस फीस को ये अब 50,000 से 1 लाख 2 लाख करना चाहते हैं। हर गरीब परिवार के लिए अब दुर्लभ हो गया है मोदी सरकार ने कि इस गलत जो 7th पे कमीशन नीति है कि इससे जो है अब गरीब परिवार, आम मिडिल क्लास के बच्चे कॉलेजों में नहीं पढ़ पाएंगे।